गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 10-1 सम्स नंबर 8 सरल करो फॉर क्लास 7. ठीक है, देखो वो सरल करो मतलब कि आप पहले गुणा करके प्लस माइनस करके जो हल होता है वो करना. ठीक है, और ये अलजेब्रा में करेंगे कैसे वो हम दिखाएंगे तुम लोगों को. पहले हम लोग देखो जानते हैं क्या कोई अल्फ़ाबेट या कोई नंबर के बीच में अगर कोई साइन नहीं रहता है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है. देखो ए ब्रैकेट में ए माइनस बी प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी. देखो इस बीच में और इस बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई का साइन होगा. लिखेंगे कैसे, ए इंटू ए, यहाँ देखो कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, ए इंटू बी प्लस. फिर ये क्या, देखो ये है प्लस ये है माइनस, सॉरी ये है प्लस ये भी प्लस, प्लस 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 ए इंटू बी, ये है प्लस ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी. ओके, अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. देखो ए स्क्वायर ए इंटू ए मैंने ए स्क्वायर हम पहले भी सिखाए थे क्या मल्टीप्लाई में क्या होता है, अल्फ़ाबेट के ऊपर अगर कोई संख्या नहीं लिखा रहता है तो उसको वन मानते हैं और उन दोनों को मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, पावर्स को प्लस कर देते हैं. तो क्या हुआ, यहाँ भी कुछ नहीं यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या हुआ, ए स्क्वायर मैंने वन वन टू ए स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ए बी प्लस फिर ये ए बी फिर ये माइनस ये फिर से बी स्क्वायर. अब देखो जो संख्या कटेगा मतलब प्लस माइनस होगा उसको प्लस माइनस कर देंगे. देखो यहाँ पर क्या है, माइनस है ये प्लस है तो कट जाएगा मैंने घट जा रहा है घट जा रहा है मैंने शून्य, हम उसको लिखेंगे नहीं कट डायरेक्ट काट देंगे. तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हुआ इसका आंसर. ओके प्लीज नोट दिस. अब हम लोग नेक्स्ट सम सम्स नंबर 2 करेंगे. ठीक है, देखो इसमें तो प्लस है ये माइनस है मतलब जैसे वैसे रहेगा. फिर देखो यहाँ पर सेम चीज़, देखो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है कोई साइन नहीं है और यहाँ पर ब्रैकेट में फिर संख्या दिया है, इसका मतलब क्या बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा. करेंगे कैसे, सेम पहले वाला जो नंबर है वो हम लोग नोट कर लेंगे पहले. ठीक है, नोट करने के बाद अब क्या इसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई होगा. देखो ये प्लस यहाँ कोई साइन नहीं मैंने प्लस 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 उतार दिए ए इंटू ए. फिर देखो ये भी प्लस 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 ए इंटू बी. ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये प्लस ए बी. ओके, अब देखेंगे कट रहा है कि नहीं, अगर नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस अगर कोई संख्या हो रहा है तो प्लस करेंगे. देखो यहाँ ए स्क्वायर है यहाँ भी ए स्क्वायर है, अब हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ाबेट्स वगैरह या उसका पावर अगर मिलता रहता है तो उसका प्लस प्लस का प्लस होता है या माइनस होता है या फिर मल्टीप्लाई में भी उसका हम लोग उसके पावर का आधार पर हम लोग मिलाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ए स्क्वायर और ये स्क्वायर मैंने कि यहाँ इसके आगे कोई संख्या नहीं मैंने वन, इसके आगे भी कोई संख्या नहीं मैंने वन 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 टू, तो ये टू ए स्क्वायर. ठीक है, अब क्या ये सजा दिए, ये प्लस ए बी ये माइनस बी स्क्वायर को बाद में कर दिए. ठीक है, बस यही और कुछ नहीं होगा आंसर. प्लीज नोट दिस, हम लोग सम्स नंबर 3 स्टार्ट करेंगे. ठीक है, देखो सम्स नंबर 3 में क्या सेम प्रोसेस है, सिर्फ यहाँ कोई नंबर नहीं है तो वो क्या होगा डायरेक्ट हम लोग जस्ट ब्रैकेट को ओपन करके उतारेंगे. अब क्या सेम इसमें भी क्या ए इंटू ए स्क्वायर, ओके प्लस 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 ए इंटू वन, ओके प्लस बी यहाँ भी प्लस 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 बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 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 बी इंटू वन. अब इसको साइन को हम लोग चेंज करेंगे या ब्रैकेट ओपन करेंगे कैसे, देखो यहाँ माइनस है इसके आगे कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस ए, ये माइनस ये प्लस माइनस प्लस माइनस बी. ओके, अब हम लोग करेंगे इसको, देखो यहाँ कोई पावर नहीं है पहले भी सिखाए तो वन हो गया, यहाँ टू है तो पावर के मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर प्लस हो जाएगा, तो दो एक तीन नहीं क्यू प्लस ए को अगर कोई भी नंबर को अगर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वही नंबर आता है वही संख्या आता है वही अल्फ़ाबेट्स आता है, तो ए को अगर वन से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया ए आया. ठीक है, प्लस फिर देखो यहाँ बी के ऊपर कोई संख्या नहीं है मैंने वन, फिर बी का स्क्वायर है मैंने टू, तो टू और वन थ्री मैंने बी क्यू, फिर प्लस बी वन जो बी. ठीक है, अब ये क्या जो संख्या था हम लोग ये उतार दिए. अब अगर कोई संख्या कटता है माइनस होता है हम लोग माइनस करेंगे. देखो यहाँ पर 2
प्लस ए है, यहाँ माइनस ए, प्लस माइनस तो माइनस होता है, कट जाएगा, ये कट गया, ठीक है। फिर यहाँ देखो ये भी प्लस है, ये भी माइनस है, तो ये प्लस ये माइनस, कट गया। मेरा बचा क्या, जो संख्या बचेगा वो हम लोग उतार देंगे, वही हुआ हमारा आंसर। ओके, प्लीज नोट दिस केयरफुली। अब हम लोग समस्या नंबर 4 करेंगे, है सेम ही, जस्ट इसमें क्या किया है, सिर्फ नंबर्स को इन कर दिया है, नंबर्स में पुट अप हो गया ना। अब कैसे करेंगे देखो, पहला तो सिंगल नंबर है तो वो जैसे वैसे उतार देंगे, क्या हुआ 10p2। ओके, माइनस देखो ये माइनस, यहाँ कोई साइन नहीं है, मैंने प्लस, मगर यहाँ पर कोई साइन नहीं, मैंने मल्टीप्लाई, तो ये प्लस माइनस माइनस, ये हो गया। अब क्या देखो 6p into p। ओके, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस, 6p into 9। ओके, फिर आप क्या इसके साथ प्लस, ये प्लस 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 प्लस, p into 3, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, p into 7p। अब हम लोग इसको करेंगे, 10p2 उतार दिए, अब इससे इसको मल्टीप्लाई किया करेंगे तो क्या होगा, पी के ऊपर दो, देखो दोनों पी के ऊपर कोई नंबर नहीं, मैंने 1, 1 और 1, 2, मैंने माइनस 6p2, ये माइनस, देखो 6 9 54 54p, ये प्लस 3 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p, माइनस ये 7 1 जाए, यहाँ तो कोई नंबर नहीं है, संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7 7, और p मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, p2। अब नंबर्स को अल्फाबेट्स के आधार पर हम लोग सजा लेंगे, देखो 10p2 माइनस 6p2, यहाँ माइनस 7p2। ओके, अब माइनस 54p प्लस 3p, अब हम लोग प्लस माइनस करेंगे, देखो ये प्लस है ये माइनस ये माइनस, तो हम लोग प्लस माइनस माइनस होता है, हम लोग माइनस पहले नहीं करेंगे, सरल को हमें क्या होता है, जोड़ या प्लस का साइन पहले होता है, मैंने प्लस करते हम लोग, क्या होगा p2 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, 7 and 6 13, माइनस 13p2। देखो अब बोलोगे क्या ये माइनस का साइन क्यों हुआ, क्योंकि देखो हम इसके पहले भी क्लास में तुम लोगों को समझाए थे कि जो संख्या बड़ा होता है उसके सामने जो साइन होता है वही साइन बैठता है। इसमें देखो 6 और 7 में कौन सा संख्या बड़ा है, 7 7p2, तो उसके आगे क्या साइन है, माइनस का साइन, इसीलिए यहाँ पर माइनस का साइन बैठा, ठीक है। अच्छा अब क्या देखो, इसमें देखो माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हम लोग जानते हैं, तो संख्या अभी अपने हमें हम बताए क्या, जो संख्या बड़ा रहता है उसके आगे जो साइन रहता है वही साइन बैठता है, तो 54 और 3 में क्या बड़ा है, 54 बड़ा है, 54 के आगे क्या साइन है, माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस ही बैठेगा। हम लोग माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 54 में 3 माइनस किए तो 51p। ओके, अब देखो ये दोनों बचा, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 13 में से अगर 10 माइनस किए तो कितना हो जाएगा, 3 3p2। अब बोलो देखो दोनों में कौन सा संख्या बड़ा है, 13 के आगे किस चीज का साइन है, माइनस, यहाँ माइनस का साइन बैठेगा। अब ये उतार दिए 51p, बस यही हुआ आंसर। प्लीज नोट दिस केयरफुली, या अगर तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज व्हाट्सएप पर कमेंट करना। ओके ओके, प्लीज नोट।